सो आज बनाते एक चटपटी सा एक डिश और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही प्रोटीन लायक है। तो सबसे पहले मैं चना ले लिया हूँ। जो चना है इसको नमक के पानी में भिगो के रखा था। अभी इसके अंदर कटी हुई भेजेस ऐड करेंगे, मतलब कटा हुआ वेजिटेबल। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कोरिएंडर मतलब मिर्ची और धनिया इसमें ऐड कर रहा हूँ। धनिया और मिर्ची ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर बॉयल पोटैटो ऐड करेंगे। बॉयल पोटैटो के साथ ही साथ इसमें कटा हुआ प्याज, कटा हुआ ककड़ी और कटा हुआ टमाटो इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये जो डिश है बहुत ही अच्छा लगता है, सुबह का और शाम का या इवनिंग नाश्ते में जो खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, या कौन से भी टाइम में आप चटनी के साथ खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही हेल्दी है। अगर किसी को चना खाना पसंद नहीं है या चने का कुछ डिशेस पसंद नहीं है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, उनको ये डिश बना के दो, बहुत ही अच्छा लगेगा उन लोग को खाने के लिए। तो साथ ही साथ इसमें मैं एक नींबू पील करके दे रहा हूँ। नींबू जो है वो आधा नींबू ही लिया हूँ, ज़्यादा नींबू नहीं लेंगे नहीं तो एकदम ज़्यादा खटास हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक के साथ इसके अंदर जो पाउडर है वो पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर दिखा देता हूँ, जो नींबू का पील किया हुआ जो एक्स्ट्रा पल्प है वो भी मैं इसके अंदर दे दे रहा हूँ। और साथ ही साथ एक बीज गिर गया था तो इसको साइड कर लेते। नींबू का पल्प जो बहुत ही अच्छा लगता है, अगर मुँह के अंदर आते तो एक करंट जैसा फील होता है। तो आप ट्राई कीजिएगा आप नींबू का पल्प भी देने के लिए। अगर नींबू निचोड़ के जो पल्प निकलता है वही पल्प आप देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा टेस्ट पे। अभी इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक दे दे रहा हूँ। स्वाद अनुसार नमक देने के बाद अभी मैं दूसरा साइड पे गैस पे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा धनिया इसको कूट लिया था, मतलब बंद करके कूट लिया था, मतलब थोड़ा भुनभुना, मतलब थोड़ा सा फ्राई कर लिया था गर्मा गर्म तवे पे। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, मतलब अच्छे से कूट के अभी इसके अंदर दे दे रहा हूँ। जीरा और धनिया का दोस्तों बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाने के लिए, अगर आप ट्राई करेंगे। अगर आप चटपटा चाट खाते हैं या किधर बाहर पानी पूरी या सेव पूरी खाते हैं तो उसके ऊपर भी देखते हैं कि जीरा का मसाला बहुत देते हैं। तो जो अपना चाट है, चना चटपटा चाट है, वो रेडी हो चुका है। तो अभी इसको आप सर्विंग कर सकते हैं और खाने में भी तो बहुत ही अच्छा था दोस्तों। मैं जो खाया बहुत ही अच्छा टेस्टी था, सोच रहा था आज भी बनाऊं बट आज मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए मैं आज नहीं बनाया। तो दोस्तों ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी है, आप ट्राई करो खाने के लिए और खिलाने के लिए, और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही प्रोटीनदायक है। सो ये चना चाट कितना अच्छा था ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलता हूँ नया वीडियो के साथ या नया रेसिपी के साथ।